नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, विकास इकोटेक लिमिटेड ने Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए, तो आज हमें रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के देखेंगे, फिर ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजल्ट देखेंगे, और लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूं तो कंपनी का जो टोटल इनकम था वो 76 करोड़ था, और लास्ट क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 75 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ अगर टोटल इनकम की देखे तो उसमें सिर्फ 1% का ही ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। वहीं टोटल एक्सपेंस जो है उसमें डिक्रीज हुआ है, तो ये 74 करोड़ से डिक्रीज हो गए 72 करोड़ के आसपास हो गया, तो -3% इसका डिक्लाइन देखने को हमें मिल रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 65 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था, और इस बार 3.43 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आप देख रहे हो कि 428% का शानदार ग्रोथ दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट इसीलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि कंपनी का जो टोटल खर्चा है उसमें डिक्रीज हुआ है, ना कि कंपनी का टोटल इनकम बढ़ने की वजह से। तो इनकम में तो हमें दिख रहा है कि सिर्फ 1% का ही ग्रोथ दिख रहा है, तो 75 to 76 करोड़ हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का आप खर्चा देख रहे हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 करोड़ जो है वो डिक्रीज हो गया, इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया। हालांकि टोटल जो कंपनी का इनकम या सेल्स कह सकते हैं उसमें कोई हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, और इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% से इंक्रीज होकर 5% हो गया, क्योंकि कंपनी का जो टोटल खर्चा है वो डिक्रीज हुआ है। और अगर मैं दोस्तों ईपीएस की बात करूँ, ये 0.01 से लेके इंक्रीज होकर 0.04 हो गया है। और दोस्तों, अगर मैं पूरे 9 मंथ्स के फिगर्स की बात करूँ जो कि है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, तो लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में कंपनी को 84 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था, और इस बार ये इंक्रीज होके 169 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे 102% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया हुआ है लास्ट 9 मंथ्स में। और वहीं दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी को जो है लास्ट ईयर नुकसान हुआ था, तो 3 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, और इस बार जो कंपनी का जो ओवरऑल अगर 9 मंथ्स के फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 17 लाख का। तो दोस्तों, ये लास्ट जो 3 करोड़ का नुकसान हुआ था वो इसी क्वार्टर में ही कंपनी ने कवर कर दिया है। तो आप देख रहे हो कि लास्ट ये -3.42 करोड़ का नुकसान था, और इस बार 3.43 करोड़ का कंपनी को है वो प्रॉफिट हुआ है। तो ये 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने पूरा का पूरा नुकसान अपना कवर कर लिया है। और वहीं ईपीएस की बात करें तो ये माइनस में था लास्ट ईयर, इस बार जो है इनका 0 के आसपास ईपीएस है, क्योंकि कंपनी जो है अपना नुकसान कवर किया, तो इस बार जो है कंपनी का ईपीएस है वो 0 है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.04 के आसपास है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ये -4 था, और इस बार ओवरऑल 9 मंथ का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 0.10% है। तो ओवरऑल अगर मैं दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सेल्स वाइज नंबर की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन हालांकि ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का वो ग्रोथ दिख रहा है, और अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है 102% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है दिसंबर 2018 में अराउंड 33% के आसपास है, और वहीं उसके बाद वो डिक्रीज होके दिसंबर 2020 में जो है अराउंड 17% के आसपास आ गई थी, मतलब लास्ट ईयर ये 7% के आसपास थी, फिर जून में और डिक्रीज होके ये 9.42% हो गई थी, अभी सेप्टेम्बर में दोस्तों के लिए इंक्रीज होके 15.60% के आसपास हो गई, मतलब प्रमोटर्स ने जो अपनी होल्डिंग है उसको इंक्रीज किया हुआ है, और उसको इसीलिए इंक्रीज किया होगा कि ताकि कंपनी जो है आगे जाके अब कंपनी जैसा ग्रो कर रही है तो उस हिसाब से प्रमोटर्स को भी अपनी जो बिजनेस के ऊपर है वो पूरा ट्रस्ट है, उनको आगे जाके दिख रहा है कि ग्रोथ होगी, इसीलिए वो अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होकर है। और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करूं तो ये पहले अराउंड 11% के आसपास थी, फिर 21% हुई दिसंबर 2020 में, लेकिन फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज हो गई, जून में तो ये सिर्फ डिक्रीज होके 0.30% हो गई, और सितंबर में ये इंक्रीज होकर 3.32% हो गई है। तो दोस्तों, प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो काफी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग देके अभी ऐसा कोई कंफर्ट नहीं आ रहा है कि ये कांस्टेंट है या क्या है, या एक पॉजिटिव जो है एक पॉजिटिव फैक्टर होना चाहिए, तो वो अभी दिख नहीं रहा है, वो डिक्रीज और इंक्रीज हो ही रही है।
और दोस्तों अगर मैं ओवरऑल कंपनी के रिटर्न्स की बात करूं तो अगर आज के दिन में देखें तो यहाँ पे 5% का अराउंड सर्किट लगा हुआ है, और लास्ट 5 डेज की बात करूं दोस्तों अगर मैं, तो यहाँ पे लास्ट 5 डेज में कंपनी ने 19% का जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 5 डेज में, और लास्ट 1 मंथ में ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है शेयर प्राइस, 1 महीने के अंदर ये डबल हो गया। और आप देख रहे हो कि ये सीधी लाइन जा रही है, मतलब इस शेयर के अंदर जो है रोज सर्किट पे सर्किट लग रही है 5% की। ऐसा लग रहा है या तो कोई ऑपरेटर माल उठा रहा है या तो फिर प्रमोटर जो है वो इस कंपनी के शेयर्स उठा रहे हैं। तो ये 2.25 से इंक्रीज होके 4.65 हो गया, तो 1 महीने के अंदर ही डबल हो गया शेयर प्राइस। और लास्ट 6 मंथ्स की बात करें तो इसमें 183% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और लास्ट 1 ईयर में 101% का इंक्रीज है। तो दोस्तों अगर मैं ऑल टाइम हाई इसकी बात करूं तो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स में तो नेगेटिव रिटर्न है, और इसका ऑल टाइम जो हाई है वो अराउंड 26 रुपए के आसपास से, फिर उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट जो है लगातार लास्ट 5 सालों से हो रही है, और लेकिन लास्ट 1 साल में अच्छा खासा हमें इस शेयर के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं अभी अगर आपको मैं ओवरऑल कंपनी के जो है ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स भी दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी जो है लास्ट ईयर मार्च 2021 में नुकसान में थी, फिर कंपनी का जो शेयर 16, 17, 18, 19 में कंपनी का जो है 26 करोड़, या फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, ये 15 करोड़, फिर 1 करोड़ हो गया, कंपनी नुकसान अभी जो 21 में है कंपनी नुकसान में चल रही है। और अभी के हमने जो रिजल्ट्स देखे वो थे कि उसमें कंपनी को है वो प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे काफी फ्लक्चुएटिंग है, मैं एक कांस्टेंट जो एक नतीजे पे पहुंचना चाहिए इंसान को वो नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपनी के जो रिजल्ट्स है ओवरऑल वो काफी फ्लक्चुएटिंग आ रहे। तो मुझे दोस्तों अगर इस कंपनी में इनके निवेश करना भी होगा तो मैं नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसका वेट जरूर करूंगा, उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाऊंगा कि क्या मुझे इसमें निवेश करना चाहिए नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफी रिजल्ट्स फ्लक्चुएटिंग हो रही है। पैनी शेयर है दोस्तों, पैनी स्टॉक में हमेशा रिस्क बना रहता है, एक हो सकता है कि ये आगे यहाँ से डबल भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे भी गिर जाए। तो दोस्तों आपको अगर इनकेस यहाँ पे इसमें निवेश करना है तो आप अपना एनालिसिस खुद कर लेना, और उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना कि आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।